खाने पीने का इंतजाम घट रहा है। सरकार कह रही है रिकॉर्ड तोड़ खाद्य का उत्पादन हुआ है, 280 मिलियन टन हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है लाखों टन अनाज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सरकारी और प्राइवेट गोदामों में, रेलवे के किनारे बोरियों में सड़ रहा है और लोग देश के भूख से मर रहे हैं, यही भारत की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी। यही तस्वीर, यही भारत बना रहे हैं आप। आपके 6 साल के राज में आपने 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी का माफ कर दिया। आपने अपने 7 साल के राज में ये गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का, सरकारी कर्मचारियों का, बैंक के कर्मचारियों का, ये राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, छोटे छोटे व्यापारियों का, जो आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों में जमा है, उस बैंकों में के जमा पैसे में आपने 13 लाख करोड़ रुपया देश के अंबानी, अडानी, मलाया और अपने दोस्तों को, ललित मोदी को माफ कर दिया। पर किसान मांग कर रहे हैं, खेत मजदूर मांग कर रहे हैं कि उसकी 4 धुर जमीन, उसकी 100 बिस्वा जमीन, उसकी 25 बिस्वा जमीन, उसकी 5 धुर जमीन जिस पर वो मकान बनाए हैं, उसके दादा ने रहन रखती थी, आज भी उसका मालिक नहीं है। उसके ऊपर जो सरकारी और सहकारी बैंक और सूदखोरों और महाजनों का कर्जा है वो तो माफ कर दो, कुल 12 लाख करोड़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे माफ करने को तैयार नहीं। तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। साथी नागेंद्रनाथ ओझा कहते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती की, इसी धरती से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। दंडी स्वामी थे, पीला वस्त्र पहनते थे, किसी जमाने में जातिवाद में फंसे थे, गाजीपुर के देवा गांव में पैदा हुए थे, जात से भूमिहार थे, लेकिन किसानों और खेत मजदूरों की बुरे हाल देखकर और ब्रिटिश साम्राज्य के जुल्म को देखकर उन्होंने सब कुछ त्याग करके किसानों को संगठित करने का काम किया था। इसे पटना के क्षेत्र में वो सारा इलाका टाल का, वो नालंदा का, वो बीहा, वो बिहटा के इलाके में सामंतों के जुल्म के खिलाफ छोटे मझोले सीमांत किसान और खेत मजदूरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इसी किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और कहा था, और आज भी वो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, वो नारा उन्होंने दिया था, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिना लड़ाई के हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने, बिहार राज्य किसान सभा ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने आपको दावत दी है कि पटना आओ, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है और बिन हवा का पत्ता मिलता है। हमने आज मजबूर होकर के नारा लगाना फिर शुरू किया, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके साथी जो लगाया करते थे, यदुनंदन शर्मा लगाया करते थे जो नारा कार्यानंद शर्मा लगाते थे, जो नारा और तमाम साथी लगाते थे, जो हमारे बीच में भोला मांझी लगाते थे, वो नारा आज बिहार में फिर जरूरी हो गया है। हमारी जमीन पर और हमारे जमीन पर, जमीन बने आत्मा, हमारी जमीन और हमारे जमीन पर, दोनों पर मोदी और अंबानी और अडानी ने हमला कर दिया है। इसे बचाने के लिए आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसान लड़ रहा है। सारे देश में 3 लाख लोग दिल्ली की संसद के बाहर, दिल्ली की चार दीवारी पर बैठे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर, वो
मोदी की सरकार दिल्ली में आने नहीं दे रही है। बीआरपी बीएसएफ लगा दिया है और अब जमीन के ऊपर इतने बड़े बड़े सड़क के ऊपर कांटे बिछा दिए ताकि ट्रैक्टर न जा सके, पैदल न चल सके, साइकिल पर न चल सके। और अब उसके अलावा तार की मेलबंदी कर रखी है, उसके अलावा 10-10 फुट गहरी, 15-15 फुट गहरी, 10-10 फुट चौड़ी सड़क पर खाई खोद रखी है ताकि किसान